हमारी स्विफ्ट बेस मॉडल, इसमें हमने क्या क्या चेंजेस कराए हैं मैं आपको ये दिखाऊंगा। इसमें हमने न्यू अलॉयज डलवाए हैं, स्टॉक टायर्स के ऊपर हमने ये 14 इंचेस के अलॉय लगवाए हैं, इसमें हमने क्रोम हैंडल लगवाए हैं, ये पहले मिरर की तरह ब्लैक आता था पर इसमें हमने क्रोम हैंडल लगवाए हैं, और इसमें अब लाइट्स का चेंज दिखाएंगे, हमने लाइटों में क्या इसमें चेंज करा है। ये हमारी DRL है, इसमें आप देख सकते हैं इंडिकेटर पे कितनी अच्छी ऑरेंज लाइट मैट्रिक्स में आ रही है, वैसे वाइट लाइट रहती है। लाइट्स में दिखाऊंगा मैं आपको हमने क्या चेंज करा है। ये हमारी ऊपर DRL लगी हुई है और ये HID लगवाई है हमने। जब ये ग्लो होती है ये थोड़ा सा ग्रीन शेड देती है, जब ये पूरी ग्लो हो जाएगी तो इसकी आप लाइट देखिए कितनी अच्छी है। डिपर दो सर, नाइट व्यू भी आपको दिखाऊंगा, इसका नाइट व्यू कैसा है। मैं आपको इसमें साउंड क्वालिटी चेक कराऊंगा, साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। गाना प्ले करो सर। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको इतनी अच्छी आवाज़ कैसे आ रही है और क्या क्या हमने करवाया है। इसमें हमने पाइनियर के कंपोनेंट लगवाए हैं, उसके ट्विटर गेरे कंपोनेंट डोर गेट के अंदर ही हैं। पीछे आओगे हमने सीट के नीचे ये एम्प लगाया हुआ है, V12 का एम्प लगा हुआ है। सारी इसकी वायरिंग अंडरग्राउंड गई भी है, कोई ओपन वायरिंग नहीं आ रही, कोई आपको वायरिंग ऐसे दिखेगी नहीं, इसका कोई रिस्क नहीं है। और जो सारा स्टीरियो लगा हुआ है ये पूरा प्लग एंड प्ले तरीके से लगा हुआ है, कोई वायर कट नहीं हुई हुई। ये हमने इसमें स्पीकर्स लगा रखे हैं, इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं। रॉकफोर्ड की हमने इसमें बेस ट्यूब लगाई है, CNG फिटेड है इसमें। आप स्पेस देख सकते हैं कितनी CNG लगने के बाद रह जाती है। इसकी लाइट के रिव्यूज़, ये देखो लाइट का ग्लो कितना है सामने, ये देखो। Thank you.